हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.3 की थी। इस वीडियो में पढ़ रहे हैं क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.4 से पहले की कुछ थ्योरम्स, कुछ थ्योरी एंड कुछ एग्जांपल्स। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.4 पढ़ेंगे, उससे पहले हम रिविजिट करते हैं किसको, रेशनल नंबर्स को और उनके दिए डेसिमल एक्सपेंशंस को। ओके, चलो अब एग्जांपल्स के थ्रू करते हैं। 9th क्लास में हमने कुछ पढ़ा था तो मैं कुछ रिमेंबर करा देता हूँ। जैसे पी अपॉन क्यू की फॉर्म होती है रेशनल नंबर की, उनकी 2-3 कंडीशन पड़ी थी। या तो वो कैसे होते हैं, टर्मिनेटिंग, क्या उनका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है, या तो टर्मिनेटिंग होता है या फिर कैसा होता है, नॉन टर्मिनेटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग में भी कैसी कंडीशन आ जाती है, 2 कंडीशन आ जाती है। टर्मिनेटिंग हो गया तो फिर ओके है ही है, क्योंकि रिपीट नॉन रिपीट का कोई मतलब नहीं है। यदि नॉन टर्मिनेटिंग में भी 2 केस आ जाते हैं, एक तो रिपीटिंग वाला और एक नॉन रिपीटिंग वाला, तो टोटल कितने केस हो गए अपने पास, 3 केस हो गए। इस वाले केस में टर्मिनेटिंग में रैशनल नंबर होता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में कौन सा केस होता है, इसमें भी रैशनल नंबर वाला केस होता है। लेकिन जब ऐसा केस आ जाए जिसमें नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, तो वो कौन सा केस हो जाएगा, इरेशनल नंबर वाला। चलो अब कुछ एग्जांपल्स के थ्रू करते हैं। जैसे अपन ने ले लिया 0.375। अब ये कैसा नंबर है, डेसिमल एक्सपेंशन इसका कैसा, टर्मिनेट है, क्योंकि 375 3 डिजिट है, इसके बाद इसका एंड हो जा रहा है 0.375। तो ये टर्मिनेटिंग है एंड रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग का तो कोई क्वेश्चन ही नहीं उठता। तो इनको अपन क्या लिख सकते हैं, 375 और पॉइंट के बाद कितना, 1 लगा दिया पॉइंट हटा के, और इसके बाद जितने डिजिट है उतने कितना लगा दिया, 0 लगा दिए। इस तरीके से हमने लिख लिया। और इसको आगे क्या लिख लिया, 375 अपॉन 10 की पावर q। ये आपको अच्छे से पता है, लिख ही सकते हैं। फिर लिया नेक्स्ट नंबर 0.104, इसको लिया मैंने 104 अपॉन 1000, सेम थिंग। और इसको लिख लिया 104 अपॉन 10 की पावर 3। फिर नेक्स्ट नंबर लिया 0.0875, इसको लिख लिया 875, पॉइंट हटाया 1, कितने डिजिट है 4, तो 4 ही 0 लग गए। और इसको लिख लिया 875 अपॉन 10 to the power 4। ओके, और एक लास्ट पर ले लेते हैं 23.3408, इसको सॉल्व करेंगे तो 23.3408 डिवाइड बाई 1, कितने जीरो जाएंगे, 4 जीरो, क्योंकि 4 जीरो डिजिट है, या फिर डायरेक्ट लिख सकते हैं 10 की पावर 4। तो ये सारे नंबर्स कैसे हुए, रेशनल नंबर्स हुए, क्योंकि इनको क्या है, पी अपन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। और इनका सबका डिनोमिनेटर कैसा है, आप चीज़ें ऑब्जर्व कर रहे होंगे, सबका डिनोमिनेटर 10 की पावर में है। अब सबका डिनोमिनेटर 10 की पावर में, और अपने को पता है कि 10 को हम लिख सकते हैं, इसके प्राइम फैक्टर्स होते हैं 2 एंड 5। ओके, ये आप सबको पता है 2 एंड 5 होता है 10 के प्राइम फैक्टर। तो इसको लिख सकते हैं हम 375 अपॉन 2 into 5 की पावर 3। यहाँ तक सबको क्लियर। फिर आगे लिखा 375 अपॉन 2 की पावर 3 एंड 5 की पावर 3। ऐसे ही यहाँ पे 104 है अपना, अपॉन इसको क्या लिख लिया, 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3। इसको क्या लिख सकते हैं, 875 अपॉन 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 4। और आगे चलते हैं और सॉल्व करते हैं, इसको क्या लिख लिया, 2338 अपॉन 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 4। अब देखो यहाँ से 5 से कैंसिल हो जाएगा, जब अपना 5 की पावर 3 है और 375 है, इसको हम लिख सकते हैं क्या, 3 इंटू 5 की पावर 3 फैक्टर्स करेंगे तो, और ये हो गया अपने पास 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3, ये कैंसिल आउट हो गया 3 अपॉन 2 की पावर 3। ऐसे इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व किया तो इसको लिख सकते हैं 13 इंटू 2 की पावर 3 अपॉन नीचे 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3। तो क्या आ गया इधर से, 13 अपॉन 5 की पावर 3। ऐसे इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास आएगा 7 अपॉन 2 की पावर 4 इंटू 5, और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 2 का स्क्वायर इंटू, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ आपको, प्राइम फैक्टर्स करने होंगे अपने को इसको समझने के लिए, 5 टू 1 अपॉन 5 की पावर 4।
अब देखो समझते हैं इतना मेहनत की क्यों की, किस लिए की। देखो 0.375 है, 3/2 की पावर 3, 0.104 है, इसको लास्ट का रिजल्ट ये है अपने पास, और इसका लास्ट का रिजल्ट ये है, और इसका लास्ट का रिजल्ट ये है। तो ये 0.375, 0.104, ये सारे कैसे नंबर से डेसिमल, इनका एक्सपेंशन कैसा है, टर्मिनेटिंग है। रिपीट नॉन रिपीट का तो कोई क्वेश्चन ही नहीं उठता क्योंकि टर्मिनेट ही हो रहा है। अब जब टर्मिनेट हो रहा है तो ये फॉर्म पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखी जा सकती है। तो इस तरह के जो डेसिमल एक्सपेंशन होंगे उनको कह सकते हैं हम कि ये नंबर कैसे है, रैशनल नंबर होते हैं। अब एक चीज़ और ऑब्जर्व की होगी, जब टर्मिनेट हो जाता है डेसिमल एक्सपेंशन तो उसमें पावर कितनी आती है, नीचे डिनोमिनेटर में 2 और 5 की जो प्राइम फैक्टर्स हैं उन्हीं की पावर आती है, और लास्ट में जाके तो ये हुआ कि अभी केवल 2 की बच गई, 5 की बच गई, यहाँ पे भी 2 और 5, यहाँ पे केवल 5। तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं या फिर कह सकते हैं कि ऐसा कोई भी रैशनल नंबर हो जिसकी पावर यदि 2 में हो या 5 में हो, कोई भी 2 हो या 5 हो, तो वो रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा। यही एक थ्योरम में बताया हुआ है, वो थ्योरम मैं भी आपको दिखाता हूँ क्यों होगा। क्योंकि 2 की पावर 3 है तो इसको 5 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करके हम क्या बना सकते हैं, 10, और 10 जैसे बनाएंगे तो डेसिमल एक्सपेंशन कैसा हो गया, टर्मिनेट हो गया। ये आपको मैं बताता हूँ थ्योरम 1.5, यही थ्योरम 1.5 है अपनी। क्या है, लेट एक्स बी ए रैशनल नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स। अभी जो जितने भी एग्जांपल्स देखे थे उनके सबके डेसिमल एक्सपेंशन कैसे है, टर्मिनेट हो रहे हैं। तो एक्स कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, बिल्कुल पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हमने अभी प्रेजेंट किया था। वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम, यस ऑल आर को प्राइम बिकॉज दे डोंट हैव एनी कॉमन फैक्टर। इन लास्ट रिजल्ट वी हैव सीन नो कॉमन फैक्टर, एंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू इज ऑफ द फॉर्म 2 की पावर n 5 की पावर m। यही किया था हमने लास्ट में, देखा था कि नीचे केवल क्या बच रहा था, केवल 2 और 5 की पावर ऐसी बच रही थी। तो किस तरह की फॉर्म में होगा, 2 की पावर n और 5 की पावर m, एंड m आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। और ये कैसे होने चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होने चाहिए, मतलब n और m की वैल्यू क्या हो सकती है, 0, 1, 2, और m की वैल्यू क्या हो सकती है, 0, 1, 2। तो जैसे किसी जगह m नहीं, 5 नहीं था, इसका मतलब वहाँ पे m की वैल्यू कितनी थी, 0, कहीं पे 2 नहीं था, वहाँ n की वैल्यू कितनी थी, 0। तो इस तरीके से हम रैशनल नंबर की जो फॉर्म है उसको किस में लिख सकते हैं, 2 की पावर n एंड 5 की पावर m। अब मूव करते हैं एक थ्योरम 1.6, इसको समझने के लिए ट्राई करते हैं। चलो करते हैं वही सेम टू सेम एग्जाम्पल्स लेते हैं जो पिछली बार लिए थे, इसको फिर बाद में आके देखते हैं। पहला लेते हैं 3/8, ओके इसको सॉल्व करते हैं तो 3/2 की पावर क्यूब। अब देखो इसको नीचे 10 बनाने के लिए ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 की पावर क्यूब से। जैसे ही 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 हो जाएगा, 10 होते ही अपना काम बन जाएगा। तो 3 × 5 की पावर क्यूब इसको सेवल किया, 375, 2 × 5 कितना हो गया, 10 की पावर क्यूब, और आगे फिर ये हो गया अपना 1000। तो इसको लिख सकते हैं 0.375, मतलब पहले तो इधर से इधर गए थे, अब इधर से इधर आएंगे। जो थ्योरम 1.6 है वो इसका रिवर्स है। फिर 13/125, सेम 13 5 की पावर क्यूब मल्टीप्लाई किया किससे, 2 की पावर क्यूब से ऊपर नीचे। सॉल्व किया इसको तो कितना है, 0.104, क्योंकि 13 × 8 = 104, और फिर नीचे हो गया 10। फिर नेक्स्ट है 7/18, सेम 7 × 5 की पावर क्यूब × 2 की पावर क्यूब × 5 की पावर क्यूब, तो यह जाएगा अपना 0.0875। हम यहाँ से देख सकते हैं कोई भी रैशनल नंबर जिसके फैक्टर्स 2 की पावर m 5 की पावर n की फॉर्म में है, तो उसको हम कैसा डेसिमल एक्सपेंशन बना सकते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो यही अपनी थ्योरम 1.6 कह रही है कि लेट x इक्वल टू पी अपॉन क्यू बी ए रैशनल नंबर सच दैट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द क्यू इज 2 की पावर n 5 की पावर m। इस वाली फॉर्म में यहाँ भी और यहाँ भी, तीनों जगह कैसे फॉर्म में, इसी वाली फॉर्म में। तो हम कह सकते हैं फिर n एंड m आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, देन x हैज़ अ डेसिमल एक्सपेंशन विच टर्मिनेट्स। ये देखो यहाँ जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेट कर रहा है। ये थोड़ा आपके एग्जाम्स में नहीं पूछी जाती, बस केवल समझने के लिए आपको समझाया गया। अब अपनी है लास्ट एग्जाम एक्स थ्योरम 1.7, उसके बारे में भी और देख लेते हैं। थ्योरम 1.7 है अपनी, ये रही है। तो देखो यहाँ कह रहा है लेट एक्स इक्वल टू, ये बाद में समझ में आएगी, पहले एग्जांपल हम कर लेते हैं उसके बाद ये अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो चलो करते हैं।
एग्जांपल ले लेते हैं हम 1/7 का। ये कैसा नंबर है? रेशनल नंबर है। इसका डेसिमल एक्सपेंशन देखते हैं कैसा आता है। तो 7 को हमने पहले 1 से डिवाइड किया, कितने टाइम्स गया? 1 टाइम्स। पॉइंट लगाना पड़ेगा उससे पहले, 10 हो गया 7, रिमाइंडर बचा 3। फिर पॉइंट लगा हुआ है, 7 4 20, रिमाइंडर कितना हो गया? 2। नेक्स्ट 20, 7 2 14, रिमाइंडर 6। फिर 60, 7 8 56, रिमाइंडर 4 0 5, 35, रिमाइंडर 5। फिर 7 कितना हो गया? 49, रिमाइंडर 1 0। फिर 7 रिमाइंडर 3। अब यहाँ से प्रोसेस अपना क्या हो गई? रिपीट होना स्टार्ट हो गई 1 से। यहाँ तक तो सेम था, अब वापस से रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि वही नंबर रिपीट्स होंगे। तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो कैसा है? 0.14857। ओके, और इसके बार ऊपर क्या लगा दिया मैंने? बार, क्योंकि यही अंक अब वापस में रिपीट होंगे। तो हमने देखा जो इसका डिनोमिनेटर था उसमें न तो 2 फैक्टर था और न ही 5 फैक्टर था। तो जब 2 एंड 5 फैक्टर्स नहीं होते हैं तो इस तरह का रेशनल नंबर किस तरह का होगा? नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि कभी एंड नहीं होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। एंड रिपीटिंग की बात करें तो कैसा होगा? रिपीटिंग होगा। अब इसको थ्योरम को समझते हैं। थ्योरम कह रही है लेट x इक्वल टू पी अपॉन क्यू वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम्स। बिल्कुल सही था, 1 और 7 को प्राइम थे। बी ए रैशनल नंबर सच दैट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2 की पावर n, n 5। बिल्कुल 2 एंड 5 के फैक्टर्स ही नहीं थे, तो इस ये जो क्यू था डिनोमिनेटर वो 2 की पावर n एंड 5 की पावर m की फॉर्म में भी नहीं है। वेयर n एंड m आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, बिल्कुल करेक्ट। देन x हैज ए डेसिमल एक्सपेंशन विच इज़ नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग या फिर रिकरिंग। बिल्कुल, ये जो जिसका डेसिमल एक्सपेंशन अपने को मिला है वो कैसा है? नॉन टर्मिनेटिंग है, क्योंकि बार बार रिपीट होता ही चला जाएगा और रिपीटिंग है। तो जब कभी भी नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग आ जाए वो रेशनल नंबर कैसा होगा? इस तरीके का होगा। उसका फैक्ट, उसकी जो डिनोमिनेटर है वो 2 की पावर n एंड 5 की पावर m में नहीं होंगे। अब एक्सरसाइज 1.4 नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।